नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारी जो हीरो और हीरो होंडा की स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो, जो भी हमारी ओरिजिनल इंजन वाली बाइक होती है उसमें सीढ़ी डाउन सीढ़ी डिलक्स जो भी बाइक्स है उसमें एक ही टाइप का इंजन होता है। उसमें दोस्तों गाड़ी थोड़ी एक 5-10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उसके इंजन नॉकिंग करने लगता है, उसका जो टॉप स्पीड होता है वो कम हो जाता है, पिकअप कम हो जाता है और माइलेज भी कम हो जाता है और इंजन ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। ये किस कारण होता है और उसको रिपेयर कैसे करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये दोस्तों कुछ बड़ी बात नहीं, एकदम छोटी सी बात है, ये एकदम छोटा सा कारण है इसका और ये दोस्तों आप खुद भी घर में रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे होता है। पहले इस गाड़ी का मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ चालू करके। ये दोस्तों इसकी टैंक वगैरह हमने निकाल दिए है क्योंकि आपको क्लियरली कैमरा में दिख जाए मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ये पेट्रोल हमने लगाया है इस बॉटल में, ये देखो दोस्तों, ये क्लिक की जो स्लिप मारती है ना, ये भी प्रॉब्लम इसी कारण आती है। ये देखो इसका इंजन का आप आवाज़ सुनोगे ऐसा कट 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 ऐसा आवाज़ सुनाई देता है। मैं रेस करके आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों आवाज़ इधर से आता है, ये टैपिट का साउंड होता है और ये टैपिट एडजस्ट करना पड़ता है हमें। तो दोस्तों इसमें दो टैपिट होते हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट, ये दोनों टैपिट हमें सेट करने होते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या निकालना है और टैपिट कैसे सेट करना है ये दिखाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करें मास्टर माइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये दोस्तों जो ट्रिक है, ये हीरो और हीरो होंडा की लगभग बहुत सी बाइक्स जो है वो दोस्तों इस तरह का ओरिजेंटल इंजन लगा होता है। बाकी जो बाइक्स है जो अभी नहीं आई हुई है हॉर्नेट वगैरह, वो उसमें दोस्तों वर्टिकल इंजन है, उसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये सिर्फ ओरिजेंटल सीढ़ी डिलक्स सीढ़ी डाउन ये सब है ना, ये होंडा पैशन प्रो, पैशन, पैशन प्लस, ये सब गाड़ियों में ये ट्रिक काम करेगी। दोस्तों टैपिट सेटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा पिस्टन है वो TDC पोजीशन पे लेना पड़ता है, मतलब टॉप पोजीशन पे। इसलिए दोस्तों हमें मार्किंग सेट करना होता है। इसके लिए ये 10 नंबर का बोल्ट दिया होता है वो हमें निकाल के लेना है। जो दोस्तों पैशन प्रो वगैरह गाड़ी है उसमें मार्किंग भी रहती है, लेकिन ये दोस्तों पैशन प्लस है इसमें मार्किंग नहीं है, इसलिए ये हमें निकाल के लेना पड़ता है। ये मैं अभी निकालूंगा और आपको मार्किंग दिखाता हूँ सेट किधर करना है। ये बोल्ट उस तरफ से निकाल दोगे तो ये कैप आ जाएगी, ये देखो। और इसमें ये जो पैकिंग है वो कभी ख़राब नहीं होता, लगभग एकदम मामूली सी केस में हो जाता है, तो ये निकालना सबसे इजी है। कुछ लोग ये कवर भी निकाल देते हैं, तो ये कवर निकालने की कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये एकदम ईजीली है, ये ऐसा बैठाया हुआ होता है उधर से, ठीक है। अब दोस्तों इस पर आपको मार्किंग दिखेगी, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, फोकस करके लेता हूँ। एक जीरो लिखा होगा और वो और इधर एक खाँच है, ये दोनों हमें मिला के लेनी है। ये 8 नंबर का बोल्ट घुमा के आप ऐसे मिला के ले सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये जो दोनों मार्किंग है वो इधर एक ज़ीरो लिखा हुआ है और ये खाँच है, ये दोनों मार्किंग आपस में मिल गई। अब दोस्तों हमें ये 17 नंबर के बॉक्स पैनल से ये कैप निकाल के लेनी है। ये जो कैप आप देख रहे हैं इसमें दोस्तों 17 नंबर का रिंग पाना या बॉक्स पाना, उससे ये कैप निकाल के लेनी है। सॉरी, ये पेट्रोल का पाइप आ गया बीच में, अभी 17 का पाना ले लेता हूँ और एक कैप निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये कैप मैं अभी निकाल के ले लेता हूँ और आपको इसका टैपेट सेटिंग दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये हमारे दोस्तों टैपेट होते हैं इसमें, ये दोस्तों इसमें ये जो रॉकर्स वगैरह, ये रॉकर आर्म है, ये दोस्तों गाड़ी लगभग 5-1 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ये थोड़े घिसते हैं और इसमें जो प्ले होता है ये बढ़ जाता है। ये देखो, ये मैं हाथ से हिला रहा हूँ तो ये हिल रहे हैं,
यही आवाज़ करते हैं दोस्तों हमारा जब इंजन स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका जो टैपिट सेटिंग है ये हमें दोस्तों कंपनी के रिपेयर मैनुअल के अकॉर्डिंग 3000 किलोमीटर बाद बोलती है कंपनी, लेकिन दोस्तों हम 5000 किलोमीटर बाद एक बार ये एडजस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे इंजन का जो परफॉर्मेंस, माइलेज और जो वाइब्रेशन होता है वो कम हो जाता है और माइलेज वगैरह अच्छा रहता है गाड़ी का और गाड़ी के इंजन की लाइफ भी हमारी बढ़ जाती है। दोस्तों हर 5000 किलोमीटर बाद ये करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये फिलर गेज लगेगा और ये टैपिट होल्डर भी लगेगा और 9 नंबर का रिंग आना लगेगा। ये दोस्तों इसका चेक नट है, ये मैं अभी लूज़ करके ले लेता हूँ, मैंने अभी लूज़ कर लिया। दोस्तों ये है हमारा, ये इनलेट वॉल है, नीचे होता है एग्जॉस्ट वॉल आता है, सेम ऐसे ही होता है। इसमें दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें 0.05 mm और इंच में बताइए तो 0.002 इंच, ये दोस्तों इसका क्लियरेंस रहता है, मतलब इसमें ये वाला ब्लेड यूज़ करना होता है। तो दोस्तों दोनों वॉल का सेम होता है इस गाड़ियों में, बहुत से वीडियो मैंने यूट्यूब में देखे, उन्होंने बताया कि दोनों को अलग करना है। तो दोस्तों ये जो हीरो की और हीरो होंडा की गाड़ी है इसमें दोनों को सेम है, आप चाहिए तो यूज़र मैन्यूअल, सॉरी यूज़र नहीं, रिपेयर मैन्यूअल भी उसका देख सकते हो। मैं जो भी बताता हूँ ये सर्विस मैन्यूअल के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो दोस्तों इसमें दोनों का सेम करोगे तो ही प्रॉपर होगा, बाकी जो गाड़ी है बजाज की वगैरह उसमें दोस्तों दोनों का अलग होता है, इनलेट का और एग्जॉस्ट का, हर गाड़ी के हिसाब से होता है, हर गाड़ी का अलग अलग होता है। ये दोस्तों इसमें इजीली जा रहा है, इसका गैप बहुत बढ़ गया है, अब दोस्तों हमें ये धीरे धीरे टाइट करना है। ये देखो ये ज़्यादा भी टाइट नहीं, ये ज़्यादा टाइट हो गया, ये देखो ये मैं खींच रहा हूँ तो आ नहीं रहा है, ये थोड़ा सा खींच के हमें थोड़ा टाइट करना है। ये देखो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ये देखो ये इधर ठीक तरह रह रहा है, ठीक है। ये ब्लेड में इधर ही छोड़ देता हूँ और ये जो नट है मैं ऐसे ये पकड़ के टाइट कर देता हूँ, ये पकड़ना है जब भी हम नट टाइट करते हैं। तो ये देखो ये हमारा चेक नट भी टाइट हो गया है, अब फिर एक बार हम चेक करते हैं, परफेक्ट है क्या? ये दोस्तों परफेक्ट है एकदम, और इसका जो गैप है ये कंपनी के रिकमेंड जो रहता है वो रह गया है। ये देखो 0.002 इंच और 0.05 mm, 0.51 है तो ये 1 से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, 0.05 0.51 ये रख सकते हो, ये हमने रख दिया है। अब दोस्तों जो नीचे का एग्जॉस्ट वाला है उसका भी जो क्लियरेंस है ठीक इसी तरह सेट करेंगे, इसी ब्लेड से करेंगे क्योंकि दोनों का सेम रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप करके देखिए, एकदम आपके गाड़ी का साउंड वगैरह एकदम अच्छा हो जाएगा जैसा कि नया गाड़ी का होता है, अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। तो अभी नीचे का जो वॉल है एग्जॉस्ट वॉल है उसका भी मैं इसी तरह सेट करके लेता हूँ, वो मैं दोस्तों कैमरा में दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत नीचे है, सेम ऐसा ही करना है, ठीक है। ये करके लेता हूँ मैं और आपको गाड़ी का आवाज़ सुनाता हूँ। पहले तो गाड़ी का आवाज़ आपने सुना है कितना ख़राब आवाज़ आता था, कितना नॉकिंग करती थी गाड़ी, अब मैं ये पूरा फिट करके नीचे का वॉल का सेट करके आपको आवाज़ सुनाता हूं। अभी हमने दोनों टैपिट सेट करके ले लिए है और पूरी फिटिंग, जैसे हमने कैप वगैरह निकाली थी, उस साइड की कैप निकाली थी, वो सब हमने अभी फिट करके ले लिए। अब मैं आपको गाड़ी चालू करके उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जो हमारी टैपिट की आवाज़ थी वो पूरी तरह गायब हो गई है, पहले जैसे कट 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 ऐसे आवाज़ आती थी वो पूरी तरह चली गई है। मैं रेस करके आपको दिखाता हूँ, और दोस्तों हमारी गाड़ी एकदम, गाड़ी का जो इंजन है एकदम स्मूथ हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल है मास्टर माइंड टेक, उसे आपने सब्सक्राइब तो किया होगा मुझे पूरा यकीन है। अगर आप नए व्यूअर्स हो, आप इस चैनल पर नए मेहमान हो तो प्लीज़ ये मेरा चैनल है ये भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए
इस चैनल पे डालता रहूँगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों ये मेरा वीडियो ये आपके दोस्तों के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।